लेक्चर में अभी तक हमने नाइन्थ मैथमेटिक्स में चैप्टर टू में एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन कराए थे। उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम का कुछ मैटर समझाया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन सी के अंतर्गत हमको ये वैल्यू निकाल के देनी है के की, जब ये फैक्टर हो एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, हमको जो के की वैल्यू है, ये यहाँ के अज्ञात है, ये के अज्ञात है, के की वैल्यू निकाल के देनी है। तो कैसे करेंगे इसको ध्यान दें, आसान है, कठिन नहीं है। हम पहले इसको उठाएंगे एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इससे हमारा ट्रांसफर करके एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी। इस वन वैल्यू को हम इसमें सबमिट करेंगे और ऊपर वाला जो इक्वेशन है इस पी एक्स के बराबर जीरो रख देंगे, एक्स के स्थान पर जीरो रखेंगे इसको लेफ्ट में लेते हुए, और अब इसमें वैल्यू रख देंगे। ये हो जाएगा एक्स के स्थान पर वन वन प्लस के इज इक्वल टू माइनस टू, ये वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, वन की वैल्यू यहाँ वन रख दी, ये वन हो जाएगा, ये के ये टू ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रकार से के की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी। ऐसे ही इसमें करेंगे पी एक्स के स्थान पर जीरो रखेंगे, यहां से जो हमने इसमें लिया है एक्स इक्वल टू वन वन का स्क्वायर इनटू वन सिंप्लीफाई करके वन शेष संख्याओं को जीरो की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, ये टू भी जाएगा उधर और रूट टू भी जाएगा, माइनस कॉमन निकाल लेंगे या फिर ऐसे ही आंसर छोड़ देंगे। तो सवाल काम तो ये क्वेश्चन नंबर वन की तरह है, केवल एक फर्क है कि जो हमें इक्वेशन दिया है उसके इक्वल हमें पी एक्स के स्थान पर जीरो रखना। ऐसे ही इसके थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन ये एक्स इक्वल टू वन इसमें रखना है और पी एक्स के स्थान पर जीरो भी रखना है। एक्स के स्थान पर वन स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस रूट टू एक्स के स्थान पर वन, पी एक्स को बाहर राइट हैंड ले जाके जीरो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे के इंटू वन हो जाएगा, ये रूट टू इंटू वन रूट टू हो जाएगा, ये राइट ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर करने के बाद रूट टू इधर आ जाएगा, वन भी उधर चला जाएगा, तो रूट टू माइनस वन। हर एक में एक ही तरह का काम है, हर एक में पी एक्स को जीरो रखना है और एक्स की जगह पे वन रखना है। ऐसा इसका फोर्थ पार्ट, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर
माइनस थ्री एक्स प्लस के, हमने पी एक्स को हटाया और के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो रख दिया। एक्स की स्थान पे यहां से उठा के वन रख दिया, जो मैंने ट्रांसफर किया था एक ही बार बहुत है, वही चारों में काम करने वाला है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। के वन स्क्वायर थ्री इंटू वन प्लस के वन का स्क्वायर वन, थ्री इंटू वन थ्री, यहां पे के दो जगह आ रहा है, तो के प्लस के टू के थ्री राइट चला जाएगा, टू का डिवाइड हो जाएगा। हम ये पहले समझेंगे केयरफुली, फिर उसके बाद उसको उतारेंगे। हर एक क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन है कि x के स्थान पर जीरो रखा है, x के स्थान पर वन रखा है, सिंप्लीफाई k को छोड़ करके शेष संख्या ट्रांसफर, वही काम यहाँ किया है, px के स्थान पर जीरो, x के स्थान पर वन रखते हुए शेष संख्या राइट और ट्रांसफर, वही इसमें x के स्थान पर वन, px के स्थान पर जीरो, ऐसे यहाँ px के स्थान पर जीरो, x के स्थान पर वन रखते हुए संख्या को ट्रांसफर करिए, ट्रांसफर के नियम के अनुसार प्लस है माइनस करिए, माइनस है प्लस करिए, मल्टीपल है डिवाइड करिए, डिवाइड है मल्टीपल करिए, ऐसा इसका नियम है। आसान काम है, आराम से समझेंगे, देन लिखेंगे। अगले क्वेश्चन में हमको फैक्टर करने, हमको फैक्टर्स या फैक्टराइज, हमको फैक्टर करने हैं इनके। इसका पहला पार्ट है 12x2 7x + 1। फैक्टर करने के लिए हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax2 + bx + c कंपैरिजन करेंगे इससे। पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 12 है, तो ए की वैल्यू 12, एक्स का कोफिशिएंट -7 है, तो बी की वैल्यू -7, और कांस्टेंट सी है तो सी की वैल्यू 1। फिर हम यहाँ पे ए इंटू सी करेंगे 12, अर्थात ए इंटू सी का मल्टीपल चाहिए, और जो बीच वाला मिडिल टर्म है इस टर्म के, इस फैक्टर के अकॉर्डिंग ऐसे दो पार्ट चाहिए कि मल्टीपल 12 आए और एडिशन 7 आए। तो 12 के हमने दो पार्ट करे, 3 × 4, हम देख रहे हैं कि मल्टीपल 12 एडिशन 7, वही इसमें ओपन करेंगे, फोर एक्स कॉमन निकाल लेंगे, थ्री एक्स माइनस वन, गिनती में से 4 कॉमन आ रहा है और वेरिएबल में से x कॉमन आ रहा है, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये आएगा 4x का 4x से डिवाइड करेंगे, वन आएगा, माइनस बीच में लगा हुआ है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा नंबर ये लिख रहा है वही नंबर ये लिख रहा है, लेकिन साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट हो तो -1 कॉमन निकलेगा,
साइन सेम हो तो प्लस वन कॉमन निकलेगा, इनमें साइन अपोजिट है इसलिए माइनस वन कॉमन निकालिए, और एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में दीजिए और थ्री एक्स माइनस वन दूसरे ब्रैकेट में दीजिए, अर्थात जो एक जैसा आया है वो हमारा ये होगा, और जो बाहर बाहर लिख रहा है वो एक ब्रैकेट में आ जाएगा पहले, और बाद में कोई भी लिख देंगे उससे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ हमारे दो चेक सिस्टम है, पहला चेक सिस्टम हमने दो पार्ट किए हैं, लौट के माइनस सेवन एक्स आ रहा है कि नहीं, दूसरा चेक सिस्टम ये ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं कि नहीं, यदि यही हमारी गलती है तो ये क्वेश्चन यहीं से आगे नहीं बढ़ेगा। सेकंड में इसके में टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री यहां भी ए इंटू सी करेंगे, ए टू है कंपैरिजन करके इससे, और सी यहां थ्री है तो टू इंटू थ्री। अब हमें सिक्स के ऐसे फैक्टर करने हैं कि एडिशन सेवन आए मल्टीपल सिक्स आए, तो यदि यही रहने हम दो टू इंटू थ्री तो टू प्लस थ्री फाइव होता है, इसका मतलब इससे नहीं होगा ये, तो हम इसको सिक्स इंटू वन से करेंगे तो मल्टीपल सिक्स हो जाएगा, एडिशन सिक्स प्लस वन सेवन हो जाएगा, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री, और एडिशन करेंगे तो सेवन एक्स और मल्टीपल करेंगे तो सिक्स हुआ। मल्टीपल हमें कोफिशियंट का करना है इसका, एक्स ऐसा चलेगा सेवन पर काम करने वाले हैं इस पे, यहां से काउंटिंग में देखेंगे तो टू कॉमन और वेरिएबल में देखेंगे तो एक्स कॉमन आएगा, जो रहेगा एक्स प्लस थ्री। अब मैं अभी ऊपर कह रहा था कि यदि अपोजिट निशान है तो माइनस वन कॉमन निकलेगा, और एक जैसे निशान है तो प्लस वन कॉमन निकलेगा, यदि ये ब्रैकेट में वही संख्या आ रही है तो हमारे पास बची हुई है, तो क्या हुआ टू एक्स के साथ वन चला गया जो एक जैसा है वो, ये चेक सिस्टम है दोनों का जोड़ पुनः वापस आ रहा है, ये ब्रैकेट एक जैसे आ रहा है, और देखिए इसका पार्ट हम ये काम एट में भी कर चुके थे, कोई नया काम नहीं है, यहाँ हमें सॉलिड हो जाना चाहिए क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ेगी और सीखना जरूरी है इसको, क्योंकि मान लीजिए डायरेक्ट इस प्रकार का सवाल वैसे तो आएगा नाइन्थ में ना भी आए तो ऐसे हम जब टेंथ करेंगे या कुछ भी करेंगे तो हर जगह बार बार, या यहाँ में इंसुलेशन करेंगे या कुछ भी करेंगे बार बार इक्वेशन फंसे नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ओपन करनी ही पड़ेगी, जिसका सबसे सिंपलीफाई मेथड यही है जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से आप देख रहे हो कंपेरिजन करेंगे इसी इक्वेशन से तो ए सिक्स होगा, सी भी सिक्स होगा माइनस का, दोनों का मल्टीपल 36 होगा। अब हमें इसके ऐसे दो पार्ट करने हैं जिसमें या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके फाइव आ जाना चाहिए, तो 36 के 9 इंटू फाइव ऐसे पार्ट होंगे। अब हमें ये ध्यान देना है कि हम कौन सा इसमें से माइनस लें कौन सा प्लस लें, तो नाइन प्लस लेंगे, माइनस का फोर लेंगे, 9 चौक 36 मल्टीपल ये, और आफ्टर सब्ट्रैक्शन फाइव आना चाहिए। और यहाँ रुक के देखेंगे कि ये ऐड करके प्लस फाइव आ रहा है कि नहीं, कई बार हम उल्टा कर जाते हैं तो हम निशान बदल लेना चाहिए, मान लीजिए हम नाइन माइनस का कर गए और इसको प्लस का कर गए तो फाइनली माइनस फाइव आएगा,
चाहिए प्लस फाइव, तो बड़ा प्लस का चाहिए छोटा माइनस का चाहिए। यदि यहाँ माइनस लग रहा होता तो फिर हम इसको माइनस करते इसको प्लस करते, यहाँ दोनों में हमारा एडिशन के बाद ये वैल्यू जा रही थी, यहाँ सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू जा रही है। मल्टीपल वही चाहिए जो ए और सी का मल्टीपल है। नौ चौक छत्तीस और छह छक्के छत्तीस बराबर होगा, इसमें आप इसको एडिट करेंगे तो प्लस फाइव आ जाएगा। यहाँ से इन गिनतियों में थ्री कॉमन निकलेगा, वेरिएबल में से x इसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो तीन दून छः टू एक्स और तीन दिया नौ, और यहाँ से अगले उसमें से टू कॉमन निकल आएगा माइनस का, ये दोनों एक जैसे आ जाते हैं। यदि एक जैसे नहीं आ रहे हैं तो आप यही गलती कर रहे हैं, और ये चेक सिस्टम में वापस आ रहे हैं और प्लस फाइव नहीं आ रहा तो भी गलती कर रहे हैं। बाकी फिर ये और ये मिलके एक में आ जाएगा और ये वाला एक में आ जाएगा, आगे पीछे कोई भी लिखा जा सकता है इनमें से। हम इसको पहले लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, और इसका फोर्थ पार्ट 3x² माइनस एक्स माइनस फोर कंपेरिजन करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, a बराबर 3 आएगा, c बराबर माइनस फोर, इन दोनों से हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। और 12 के ऐसे दो पार्ट करेंगे कि बीच में माइनस एक्स का हिसाब बन जाए, तो अपने आप ही ये 3 × −4 − 12 और अपने आप फैक्टर है, उसी से हमारा काम चल जाएगा। 4 को माइनस लेंगे, प्लस को 3 लेंगे, फिर वापस जाके देखेंगे माइनस एक्स आ रहा है कि नहीं, तो आप देख रहे हैं माइनस 4x + 3x का एडिशन करने पे वापस माइनस एक्स जा रहा है। यहां से केवल एक्स कॉमन निकलेगा और यहां से वन कॉमन निकलेगा। मैंने बताया था कि पहले ब्रैकेट में आ जाता है और वो संख्या वापस एक जैसी मिल जाती है, तो फिर हम ये करेंगे इसमें कि प्लस वन कॉमन निकालेंगे, अपोजिट होगा तो माइनस वन कॉमन निकालेंगे, हो जाएगा एक्स प्लस वन और थ्री एक्स माइनस फोर। एक्स वन के साथ चला गया ये और ये एक जगह आ गया, तो ऐसे करके इसके चार हमने बताए। ये नाइन्थ में अलग अलग एक्सरसाइज में हमने सीखा है, होल स्क्वायर में भी सीखा है, यहाँ भी हम सीख रहे हैं, कुछ और आगे इसके एक्सरसाइज में सीखेंगे, और सीखना जरूरी है ऐसा हमारा ध्यान चाहिए। आज के लिए इतना ही, शेष कल हम रिमाइंडर थ्योरम के माध्यम से डिवाइडेशन के थ्रू और ट्रिपल पावर का माने जिसकी डिग्री 3 होगी उसको तीन पार्ट में करना सीखेंगे, तो कल सीखेंगे या आगे के लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।